के बच्चे के लिए ठीक सर। आज के कार्यक्रम की विशेष वक्ता जिनके बल की सामाजिक का अभिनंदन एवं स्वागत है, इसके साथ ही मैं चंद्रप्रभा हूं और मां शक्ति समन्वय विभाग की बरेली विभाग की प्रमुख। आज हमारे यहाँ मातृशक्ति सम्मेलन आयोजित हो रहा है जो कि पूरे ब्रज प्रांत में लगभग 32 स्थानों पे हो रहा है और उसका आज 26 फरवरी को बरेली में, इसके अलावा हमारा बरेली विभाग में फरीदपुर भी आता है तो 28 को फरीदपुर में है। औला में हम एक मातृशक्ति सम्मेलन कर चुके हैं और 13 मार्च को हमारा बहड़ी में माँ शक्ति सम्मेलन। हमारी माँ शक्ति सम्मेलन का यही उद्देश्य है कि सालों से जो परंपरा चली आ रही है कि माँ शक्ति कुछ कार्यों में पुरुषों से लोगों के विचार है पीछे रह जाती है, पर ऐसा नहीं है, माँ शक्ति भी किसी से कम नहीं है। इसी कार्यक्रम के लिए कि माँ शक्ति की लगभग 50% आबादी है वो महिलाओं की है, तो वो हर क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक राजनैतिक रूप से हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़े और हमारी जो वर्तमान सरकार है मोदी सरकार भी वो उस चीज़ पे बहुत ध्यान दे रही है महिलाओं के उत्थान और उनके विकास के लिए। तो हम लोगों का भी यही प्रयास है कि हम लोग महिलाएं इकट्ठी हों और आपसी समझ विकसित करें जिससे कि समाज में हम अपना बेहतर से बेहतर रूप स्थापित कर चुके। मेरा नाम साधना सिंह चौहान है। आज की मातृशक्ति सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि भारत की नारियों में पुनर्जागरण, देशभक्ति की भावना को जगाना और सभी नारियों को एक शक्ति स्वरूप में, एक बड़े विशाल शक्ति के रूप में उनको एक मंच पर लाना, उनको इकट्ठा करना, उनको संगठित करना, ये मुख्य उद्देश्य है। और ये हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समन्वय विभाग के द्वारा, महिला समन्वय विभाग के द्वारा आयोजित किया गया है पूरे ब्रज प्रांत में, फिरोजाबाद, अलीगढ़, अपना बदायूं, आज बरेली में, इसी तरह से पूरे ब्रज प्रांत में ये विशाल महिला सम्मेलन लगभग 5-5, 10-10 हजार महिलाओं की संख्याओं में हो रहा है।